हाय गाइस, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां पर हम आप तक बॉलीवुड की सारी खबरें पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। रणबीर कपूर जल्द ही करीना कपूर खान के चैट शो व्हाट वुमेन वांट में नजर आने वाले हैं। शो के नए एपिसोड की रिलीज से पहले उसका एक टीजर रिलीज किया गया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काफी मजेदार होने वाला है। शो के नए टीजर में रणबीर कपूर अपने कुछ सीक्रेट्स और पत्नी आलिया और बेटी राहा के बारे में बात करते नजर आएंगे। रणबीर ने कहा कि वो ये मानना चाहते हैं कि वो एक अच्छे हस्बैंड हैं। इस दौरान दोनों इस बारे में भी बात करते हुए नजर आया कि क्या फीमेल एक्ट्रेसेस को मेल एक्टर्स से तुलना में नहीं होना चाहिए, जैसा कि कई लोग मानते हैं। इसे खारिज करते हुए रणबीर ने तीन खान, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का एग्जांपल दिया, जिन्होंने अपने से लंबी कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। जावेद अख्तर बॉलीवुड के बेहद फेमस लिरिसिस्ट हैं। हाल ही में गीतकार ने अपनी पत्नी शबाना आजमी के साथ शायराना सरताज नाम की एक उर्दू शायरी एल्बम लॉन्च की थी। इस दौरान जावेद अख्तर ने उर्दू भाषा के महत्व और उसके पीछे की ग्रोथ और प्रोमिनेंस में पंजाब की भूमिका पर बात की। उन्होंने इस इवेंट में ये भी कहा कि उर्दू पाकिस्तान या मिस्र की नहीं है, ये हिंदुस्तान की है। इवेंट में जावेद अख्तर ने कहा कि उर्दू किसी और जगह से नहीं आई है, ये हमारी अपनी भाषा है, ये हिंदुस्तान के बाहर नहीं बोली जाती है। पाकिस्तान भी भारत से विभाजन के बाद अस्तित्व में आया, पहले ये केवल भारत का हिस्सा थी, इसीलिए भाषा हिंदुस्तान के बाहर नहीं बोली जाती है। एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का 9 मार्च को निधन हो गया था। वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में उनके भतीजे निशांत ने परिवार और सतीश कौशिक की बेटी वंशिका के बारे में बात की। सतीश कौशिक के भतीजे निशांत ने खुलासा किया कि दिवंगत एक्टर के परिवार की लाइफ रुक सी गई है। उनकी पत्नी शशि कौशिक और बेटी वंशिका इस बात को मानने की कोशिश कर रही हैं कि एक्टर का निधन हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वंशिका मेहमानों के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अकेले होते ही वो अनकंफर्टेबल होने लगती है। निशांत ने सतीश कौशिक को शानदार पिता भी बताया। उन्होंने खुलासा किया कि वो अपनी बेटी के साथ खूब खेलते थे। सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी को लेकर हाल ही में ऐलान हुआ था कि उसमें अक्षय कुमार की वापसी हो गई है, और ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म काफी कमाल की होगी। इसके बाद खबर आई थी कि संजय दत्त भी इस फिल्म में एक स्पेशल कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त फिल्म से सुनील शेट्टी का एक बयान सामने आ रहा है और उन्होंने संजय दत्त के किरदार को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि संजय दत्त की एंट्री एक गैंगस्टर के तौर पर होगी और एंट्री होते ही फिल्म में कॉमेडी का धमाका होगा। उनके सीन्स इस फिल्म में एक और चांद लगा देंगे। इसके अलावा सुनील ने कहा कि वो इसे दूसरे लेवल पर लेकर जाएंगे। वो दोनों एक शानदार रिलेशन शेयर करते हैं और ये स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कोर्ट मैरिज के बाद अब फहद अहमद के साथ रीति रिवाजों से शादी कर ली है। स्वरा भास्कर की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में जहां स्वरा भास्कर खूबसूरत लग रही हैं, तो वहीं फहद के साथ उनकी जोड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। स्वरा का लुक भी काफी वायरल हो रहा है, जहां स्वरा रेड साड़ी में पूरी साउथ इंडियन ब्राइड लग रही है। बनी से आपको स्वरा का लुक कैसा लगा? पहले उन्होंने यादों की बारात निकाली, फिर कयामत ने उनकी किस्मत ही पलट दी। वैसे तो वो कभी एक्टिंग करना नहीं चाहते थे, लेकिन दस्तूर आया तो पहली फिल्म के पोस्टर भी खुद ही चिपकाए। बात हो रही है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की, जो कि आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमिर के बर्थडे के मौके पर उन्हें फैंस और इंडस्ट्री के तमाम दोस्तों से ढेर सारी विशेस और बहुत सारा प्यार मिल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने बिंदास अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में इलियाना डिक्रूज ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर अपना बयान दिया है। इस पर अब काफी चर्चा हो रही है। जब इलियाना से पूछा गया कि क्या वो साउथ फिल्मों में वापसी करना चाहेंगी, क्योंकि वो इस समय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि साउथ फिल्में बेशक अच्छा कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो सोचती हैं कि वो उनमें से नहीं है जो कि चलती हुई ट्रेन में यूं ही कूद जाए। अगर प्रोजेक्ट सही लगता है, कैरेक्टर सही लगता है, तो शायद ऐसा हो सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने हुस्न, अपनी एक्टिंग, अपने काम और अपने स्टाइल को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में ऑस्कर को लेकर दीपिका ने सभी भारतीयों को काफी गर्व महसूस कराया और एक शानदार एक्सपीरियंस भी दिया। ऑस्कर के बाद की कुछ तस्वीरें एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने एक मिनी पिंक फेदर ड्रेस पहनी हुई है, जिसके साथ उन्होंने पेयर अप किए हैं डेंटी इयररिंग्स, ब्लैक ग्लव्स और हैवी आई मेकअप।
कुणाल खेमू की अगली फिल्म कंजूस मक्खी चूस का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। कॉमेडी ड्रामा जॉनर वाली इस फिल्म में कुणाल खेमू पैसे बचाने के लिए ऐसी ऐसी तरकीब निकालते हैं कि देखने वाले को भी चक्कर आ जाए। कंजूस मक्खी चूस में कुणाल खेमू जमुना प्रसाद पांडे नाम का किरदार निभा रहे हैं। अपनी कंजूसी के कारण जमुना प्रसाद पूरे शहर में बदनाम है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी, माँ और पिता भी परेशान हो चुके हैं। गिनकर सब्जी खरीदने से लेकर एक अगरबत्ती को एक महीने तक इस्तेमाल करने तक जमुना प्रसाद कई मौकों पर कंजूसी की हदें पार कर देते हैं। कंजूस मक्खी चूस में कुणाल खेमू के अलावा श्वेता त्रिपाठी, पीयूष मिश्रा, अलका अमीन और राजीव गुप्ता भी मेन रोल्स में हैं। पॉपुलर टीवी सीरियल यह मोहब्बतें से घर घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी अपने बॉयफ्रेंड चिराग के साथ शादी के बंधन में बन चुकी हैं। कृष्णा मुखर्जी ने पहले बंगाली रीति रिवाज से शादी की और फिर दोनों ने पारसी रीति रिवाज से शादी की। उनकी दोनों वेडिंग सेरेमनीज की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं, जो कि अब फैंस को काफ़ी पसंद आ रही है। वहीं एक्ट्रेस को अब ढेर सारी बधाइयाँ भी मिल रही हैं। आज मैं पूरी अपडेट्स पर बस इतना ही। आगे की सारी चटपटी बॉलीवुड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।